विद्वान साथियों नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच से आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, पिछले हफ्ते और दो हफ्ते से जबकि अपने मिशन के आयोजन के बाद से लगातार आपके इतने मैसेज आ रहे हैं और आप ऑलरेडी जो मिशन से जुड़े हुए हो, अवेयर हो, जो वंचित प्रकरण आपके चल रहे हैं, निश्चित तौर पर अब वो फाइट जो आपकी लीगल स्टेज पर मजबूती से आगे बढ़ चुकी है और आप निश्चिंत रहें कि आपके हर वाजिब बिंदु को रखा जाएगा मजबूती के साथ और हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह न्याय अपने आप को स्थापित करेगा, चाहे वो आपका 16 प्रकरण हो चाहे 18 प्रकरण हो। ऑलरेडी जो पिछली हियरिंग पे ऑर्डर हुआ है वो जहाँ तक सख्त आदेश है कि अंतिम रिजवाइंड का रिप्लाई इसमें आना है और वो रिप्लाई में जो अपना रिजवाइंड है 13-14 बिंदुओं का, उनमें निश्चित तौर पर ऑलमोस्ट अपने सभी बिंदु बिल्कुल राइट हैं, करेक्ट हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिल जानी चाहिए। बाकी उससे पहले बोलना कहीं भी न, तो आज तक हम बोले हैं न ही बोलना शोभा देता है न ही ठीक रहता है कि अपना पीड़ित और उसकी पीड़ा को पेश करना अदद शिद्दत के साथ यहाँ तक रोल रहता है। उसके बाद अंतिम निर्णय जो होता है वो न्यायपालिका को करना होता है। इसके अलावा बाकी भी जो आपके तीनों चारों स्टेज थी, चाहे वो आपके प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल स्टेज पे हो, चाहे गवर्नमेंट के समक्ष रखना हो, चाहे मीडिया के समक्ष रखना हो, आप लगातार रख रहे हो, रखा भी है और उसका कहीं ना कहीं आपको लीगल मैटर पे भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए जो मिशन से जुड़े हुए साथी हैं, जो वंचित प्रकरण में चल रहे हैं, उनको मंच की मार्फत भी अपने आयोजन में अवगत करवाया गया था और समझदार लोग शायद समझे भी होंगे उसको, तो निश्चित तौर पर आपकी उसमें मदद होगी और बड़ी मजबूती के साथ आपकी पीड़ा को उसमें रखा जाएगा। तो जो प्रश्न आ रहे हैं आप शॉर्ट में समझने का प्रयास करें। बाकी आपको सब पता है कि कब हियरिंग है और किन किन बिंदुओं को लेकर के आप पेश हो रहे हो और जैसी पैरवी लगातार होती रही है पीड़ित के लिए, उससे कहीं ना कहीं बेहतर पैरवी निश्चित तौर पर करवाई जाएगी और की जाएगी, निश्चिंत रहें। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न, मैं नहीं चाहता था कि इस मुद्दे पे मैं बोलूं, लेकिन आप साथियों ने इतना मजबूर किया है, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूं दिन में, तो इतने मैसेज आपके आए पड़े रहते हैं, नाइट में भी आप परेशान करते हो, सुबह भी इतने कॉल आ जाते हैं, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया हूं। तो निश्चित तौर पे मेरे सामने आज भी प्रश्न आए हैं और पिछले 10-15 दिन से आ रहे हैं कि जो अभी विज्ञप्ति आनी है लेवल 2 2022 की जो विज्ञप्ति आ रही है जिसमें रीट हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें बहुत सारे साथियों के प्रश्न हैं। आज भी एक साथी ने मेरे को मैसेज किया कि हमें RTI लगाई थी, हमें जवाब नहीं मिला कि जो 3 वर्षीय अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी जो भी भाषाई सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जिनके मार्क कार्ड में वो नहीं लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, ऐच्छिक जो भी है, तो उन साथियों के आ रहे हैं कि हम अलाउ होंगे कि नहीं। भाई आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा चुकी है, ये ज़रूरी नहीं कि विज्ञप्ति में वो शो हो। हम तो प्रयास करते हैं कि विज्ञप्ति में भी वो शो होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो क्या करें। जब आपको मना करेंगे तो अलाउ करवा देंगे, अन्यथा वो ऑलरेडी अलाउ हैं। संबंधित एजेंसी ने एक कॉमन नोटिफिकेशन पिछली भर्ती 16-18 में जारी किया हुआ है, जिन्होंने 3 साल कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है और उस विषय से आपने रीट उत्तीर्ण किया है, तो आप निश्चित तौर पर अलाउ हो, चाहे विज्ञप्ति उसमें किस लैंग्वेज में विज्ञप्ति बोलते हो कोई मायने नहीं रखेगा उस बात को। इसके अलावा एडिशनल के बहुत सारे साथियों के लगातार फोन आ रहे हैं कि 21 वालों को जिस प्रकार से वो पीड़ित पहुंचे थे और हमने बड़ी मजबूती से माननीय हाईकोर्ट में पैरवी करवा करके अलाउ करवाया था, वो साथी तो निश्चिंत हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्होंने देखा है संघर्ष क्या होता है। लेकिन बाकी जो लोग दाएं बाएं से या संघ महासंघों के संगति में थे, उन लोगों को बहुत मैसेज आ रहे हैं कि अभी 22 की भर्ती में अलाउ होंगे या नहीं होंगे। अलाउ तो करने चाहिए उनको, यदि एजेंसी नहीं करेगी तो माननीय कोर्ट करवा देगा, आपकी प्रॉपर स्टेज माननीय हाईकोर्ट है। कुछ साथियों के लगातार कॉल आए कि हमने 2021 के मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई SLP लगाई हुई है। वे क्यों लगाई हुई है, आपको रोका किसने था, आपको बताया कि उस SLP का कोई रोल नहीं था और उसको सुना भी नहीं जाएगा। वो SLP पढ़ी मैंने लगभग 80-83 पेज की, उसमें कहीं हवाला ही नहीं है कि 2021 में आपको बाहर किया है, नहीं कि सारा 16-18 का मैटर है। 16-18 के मामले में गवर्नमेंट अपने नियम को बचाने के लिए गई हुई है और उसको अलाउ करने का नियम था उसमें। इसके अलावा हमने जब संघर्ष किया मिशन की मार्फत कंपलसरी डिग्री को लेकर के, उसमें भी एडिशनल को एक्सपर्ट कमेटी ने भी अलाउ किया, तो मैटर अपने आप में 16-18 का है,
आप बगैर सोचे विचारे किसी संघ महासंघ या छदम लोगों कहने से वहां जाकर पार्टी बन रहे हो तो आपको सुनेगा कौन? आपका कोई उसमें मेंशन ही नहीं है। मैंने पढ़ा उस SLP को ध्यान से, भेजा था किसी ने, संदीप जी ने और राजकुमार जी ने मेरे पास, तो कहीं मेंशन ही नहीं है उसमें। होना जाना क्या था? ठीक है, आप विड्रॉ का बोला, मैं तो यही कह रहा था विड्रॉ ना करो तो भी कोई नहीं सुनेगा, और ज़्यादा मतलब उसमें आप हिस्सेदारी करोगे तो भी जुर्माना वापस आ जाओगे वहाँ से। इस प्रकार कोर्ट समय प्रवाद नहीं करेगा आपके लिए। जब आपको अलाउ कर दिया माननीय हाई कोर्ट में आप गए, इसके अलावा एडिशनल मैटर पे जो 22 में आप आ रहे हो तो आपका बहुत मजबूत स्टेज ये है। पिछली 16-18 में तो ऐसे था कि कोई भी एडिशनल कहीं से करके आ गया, अलाउ हो गए, उसके मार्क ऐड हो गए, लेकिन अब की बार तो पहले आपने डिग्री की है, उसके बाद आपने उस विषय का रीट दिया है, उसके बाद आप स्पेशल उस विषय में जो अभी आगामी एग्जाम होंगे उसमें उस विषय विशेष का पारंगतता को आप सिद्ध करोगे, उसमें अपना एग्जाम दोगे, आपके केस की मेरिट ही अलग होगी। कि विशेष तौर पे जो ये दोनों रीट और प्लस में है, ये जो एक्स्ट्रा मूल आपका एग्जाम हो रहा है वो वही स्टूडेंट तो पास करेगा ना जिसको नॉलेज होगा उस विषय विशेष का। ये अलग बात है कि हरियाणा की तरह या भाषाई विषय का अलग से रीट में 60% की SST या साइंस मैथ की तरह अलग से पेपर नहीं लिया जाता। आपको मांग करनी चाहिए थी कि, और करनी भी चाहिए, आगे भी ध्यान रखें, हम तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भी जितने भी भाषाई सब्जेक्ट हैं उनको आपने 30 नंबर में ऐड कर लिया सिर्फ, और आपने मजबूरन लोगों को दे दिया कि आप SST या फिर विज्ञान गणित का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा जब आपने वो विज्ञान गणित SST पढ़ाई नहीं है? मान लो आप ऑनर्स इंग्लिश से ऑनर्स हिंदी से हो और तीनों साल ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आपसे वही विषय पूछना चाहिए ना रीट में 60 नंबर का मुख्य विषय के तौर पर। लेकिन आप पता नहीं कहाँ सो रहे हो, किस प्रकार का अन्याय भाषाई विषयों के अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो। सहन किया है तो ठीक है, लेकिन आगे भुगतने की बजाय इसका सामना करो इस सिचुएशन का आप, कि भी उसमें की एडिशन 16-18 अलग मैटर था, सिर्फ ग्रेजुएशन के नंबर काउंट करके लोग सफल हो गए, उनसे अलग से रीट में कुछ नहीं पूछा गया 60 नंबर का उस विषय विशेष का। लेकिन यहाँ तो आपका आप जो 150 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है मुख्य विषय मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें उस विषय विशेष के ही आएंगे ना, जो आप जिस विषय से एडिशनल या जो भी किया है ग्रेजुएशन, तो अपनी पारंगतता को सिद्ध करोगे, आपके केस की कि बाई चांस आगे दिक्कत आएंगी इस डिग्री बेस पे तो आपके केस की मेरिट अलग है 16-18 से। क्यों? तो 16-18 को वहाँ जा करके आप भ्रमित कर रहे हो या उनको बेचैनी बढ़ा रहे हो उनकी, और क्यों खुद को वहाँ पर कमज़ोर साबित कर रहे हो? आपका मैदान नया बनेगा यदि रोकेंगे आपको कोई, तो वहाँ आपको आना चाहिए अदद शिद्दत मजबूती के साथ विद फैक्ट्स के साथ। इसके अलावा एक क्वेश्चन ने साथियों का और भी था कि रीट हमने 3 विषय में पास किया है, मान लो कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गई, 1 SST या साइंस मैथ, एग्जाम डेट कह रहे हैं कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, संबंधित एजेंसी का नोटिफिकेशन भी ऐसे ही भ्रमित कर रहा है कि 1 ही दिन में होगा। ये कोई 12 और 13 की भर्ती नहीं है कि किसी ने अंग्रेजी से अलाउ कर दिया, ग्रेजुएशन इंग्लिश है या नहीं वो भी बन गया इंग्लिश का टीचर, या SST का अलाउ कर दिया चाहे उसके पास SST सब्जेक्ट नहीं वो भी बन गया, ये वो बाबा जी का बाड़ा नहीं है। अब की बार वही अभ्यर्थी उसमें शामिल होगा उसके पास 3 साल उस विषय विशेष का ग्रेजुएशन में नॉलेज हो, उस विषय विशेष से उसने एग्जाम पास किया हो रीट का, उस विषय विशेष से मेन जो एग्जाम होगा वो भी पार करेगा, वही पात्र होगा, तभी जा करके कहीं ना कहीं उस विषय विशेष के एक्सपर्ट टीचर लगेंगे इस PGT पोस्ट पर। और आप ये सोच रहे हो कि 1 ही दिन एग्जाम होगा, नहीं होगा। और यदि ऐसा कुछ सोच रहे हैं अभी भी उच्च स्तर पे इसमें मंत्रणा चल रही है उच्च अधिकारियों के स्तर पे, क्या हमें 1 दिन कैसे एग्जाम कर सकते हैं जब एक एक अभ्यर्थी 3 सब्जेक्ट में अलाउ है, अलग अलग विज्ञप्ति सब्जेक्ट वाइज आएगी, अलग अलग आप फॉर्म भरोगे, अलग अलग फीस डिपॉजिट करोगे, अलग अलग तैयारियाँ करोगे, अलग अलग क्वालिफिकेशन आपके पास है ग्रेजुएशन की, तो ये कौन है आपका 1 दिन में एग्जाम करवाने वाले? सेकेंड ग्रेड में भी अलग अलग विषय में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड में भी अलग अलग एग्जाम होता है, थर्ड ग्रेड में भी अपने आप में अलग एग्जाम लेना पड़ेगा यदि संबंधित एजेंसी इतनी बड़ी गलती कर भी देगी समझाने आगाह करने के बाद भी। हालांकि उस स्तर पर मीटिंगें चल रही हैं कि एग्जाम अलग अलग डेट में हों, और होंगे भी, नहीं होंगे तो कोई विद्वान साथी कोर्ट में चला गया तो क्या माननीय हाईकोर्ट आपकी पीड़ा को नहीं सुनेगा? सुनना पड़ेगा, सुनेगा, और आपका न्याय मिलेगा। तो एग्जाम आप जिन 3 विषयों में आप पारंगत हो रीट के आधार पे प्लस ग्रेजुएशन के आधार पे वो अलग अलग डेट में ही लेने होंगे, क्योंकि आप उसके लिए अलग तैयारी कर रहे हो, अलग फीस जमा कर रहे हो, अलग पात्रता आपने पास की हुई है, तो आपके भर्ती आपको आपकी भर्ती होनी है ना, न कि किसी और की। तो इस मामले में जितने भी साथी भ्रमित हैं तनिक भी भ्रमित ना हो, सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आएगी अलग से
और सब्जेक्ट वाइज अलग से विज्ञप्तियाँ आएगी और उस विज्ञप्ति में अपनी पात्रता के अनुसार आप अप्लाई करोगे और जो भी आपकी भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों को एक यदि आपको समझ में नहीं आता कि समझदार आदमी से वो पूछ लेना चाहिए। दोबारा उन्हीं छदम लोगों की संगति में जाने का उनसे भ्रमित होने का सवाल उठ कहाँ रहा है, उन्होंने क्या किया आपके लिए। जब अभी 21 में एडिशनल को बाहर किया मैंने तो जरा सा आपने मेरे को परेशान किया तो मैंने बोल दिया था कि कोई विद्वान साथी यदि माननीय हाईकोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी स्टे है तो बाहर करेगा अपन, किया क्या आपको बाहर नहीं किया ना। तो उसी प्रकार आप यदि एक मानसिकता के साथ एक सामूहिक तौर पर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक सही नेतृत्व के साथ आगे बढ़ोगे और यदि बढ़ते ये लोग 16-18 वाले तो ये भी बाहर नहीं होते, इन्होंने भी वो एक तरीके से अलग अलग जो मैं यूज़ तो नहीं करना चाहता है सर बट जो अलग अलग इन्होंने अपनी दुकानें सजाई हैं उसी का तो परिणाम भुगत रहे हैं। एक सार्थक नेतृत्व में 3 वर्षीय अनिवार्य डिग्री वाले कैंडिडेट लड़े कहीं दिक्कत आई उनको, मानी सुप्रीम कोर्ट तक अपने आप को साबित किया, SLP जा रही थी तो उन्होंने वापस करवाया उस SLP को, नहीं करवाए होते गवाह आपके सामने। लोग कह रहे थे कि रीट 16 की वेटिंग सूची नहीं आएगी, ये इस भर्ती का तो डिब्बा बंद है। लोग कह रहे थे कि आपने नरसिम्हन को वकील नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, लोग कह रहे थे आपने कपिल सिब्बल को वकील नहीं किया, लोग कह रहे थे कि जो बड़े बड़े वकील हैं उनको यदि जब तक आप वकील नहीं करोगे तो आप केस नहीं जीतोगे, थे ना ये सवाल उन संघ महासंघ वालों के। लेकिन आपने उन सब के चांटा लगाते हुए इतिहास में पहली बार इतना सार्थक प्रयास करके और अपनी पीड़ा को जो बीच के लोग जो सिस्टम के लोग परेशान कर रहे थे उनको ओपन करते हुए उजागर करते हुए बेनकाब करते हुए और सीधे उच्च स्तर पर सरकार तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रभारी महोदय तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया तो आप सफल हुए। वो अधिकारी अपना माथा पीट करके रह गए, संघ महासंघ वाले अपने आप को चुप्पी साध करके रह गए, लेकिन आपने साबित किया कि यदि आपकी पीड़ा सही है तो जीत तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट तक SLP भी वापस हो सकती है। सूजस पत्रिका राजस्थान गवर्नमेंट पढ़ें पिछले साल दिसंबर के आपस में किस प्रकार उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये संघ महासंघ वाले आपको भ्रमित करते हुए घूम रहे हैं यही कोई नुमाइंदगी, ये तो उस समय आते हैं जब आप संघर्ष कर चुके होते हो उस समय एक लाइन लिखते हैं कि अपन के ऊपर कि हमने मांग की, और उसका अलग मैटर है कि उनका एक बड़ा दायरा आप लोगों ने उन्होंने बोल दिया कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो शेयर करो फलाना करो, आपने कर लिया और भ्रमित होते गए। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि डेट अलग अलग होंगी आगामी इस परीक्षा के, निश्चित तौर पर होंगी, नहीं होंगी तो माननीय कोर्ट करवाएगा और संबंधित एजेंसी को भी, आपके पास टाइम है तो आप भी अवगत करवाओ सभी तथ्यों के पास जैसे यहाँ पे बोले गए हैं। और जो 3 वर्षीय जो भी स्नातक डिग्री चाहे अनिवार्य हो ऑनर्स हो ऐच्छिक हो इलेक्टिव हो कंपलसरी हो किसी भी नाम से 3 साल तक यदि आपने मुख्य विषय के तौर पर उस विषय को पढ़ा है और फाइनल ग्रेडिंग में वो जुड़े हैं मार्क्स आपके प्राप्तांक, तो निश्चित तौर पर यू आर अलाउड फॉर दिस, किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ जो एडिशनल वाले हैं जो पीछे की भर्तियों में अपने आप को 10+2+1 साबित करवाया उन लोगों, उनको 10+2+3+1 इस कैटेगरी में प्लस में रीट प्लस में मेन एग्जाम इस विषय के तौर पर अपने आप को मजबूत रखोगे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। 16-18 में गवर्नमेंट उनके साथ इसलिए है कि वो अपने नियम के बचाने के लिए हैं, उसमें तक वो अलाउ थे। इस प्रकार जिस तरीके से यहाँ पे एक मानसिकता बना करके सिंगल डीबी में बाहर किया गया है, यदि इसी प्रकार की मानसिकता से आगे मामला बढ़ता गया तो गवर्नमेंट के रूल का क्या होगा, रेगुलेशन का क्या होगा, वो बिंदु हैं अलग से। लेकिन न तो आप उनको परेशान करें भावी कैंडिडेट, और आप अपने केस की मेरिट को भी समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। और ये जो बार बार आप परेशान कर रहे हो मैं मानता हूँ कि शायद आप इस मैटर को समझ गए होंगे, फिर भी यदि आपके कोई मैटर समझ में नहीं आए कोई बिंदु समझ में नहीं आए तो देर शाम तक यानी 5 बजे के बाद आप मेरे को कभी मैसेज कर सकते हो, तो जब भी समय मेरे को मिलेगा मैं कर पाऊँगा। इसके अलावा मेरे वंचित मैटर के जो साथी हैं निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहें, आपके लिए मजबूती से वो लीगल स्टेज जो पकाई गई है जिस स्टेज को वो अब आपके लिए आ गई है, बाकी प्रयास बहुत हो चुके आप कर ही रहे हो लगातार। आज भी माननीय CM साहब को जोधपुर में आपने अवगत करवाया है, बहुत सार्थक प्रयास आपके जारी रखें, हताश ना हो बिल्कुल भी, सफलता जिस दिन मिलेगी आपके संघर्ष के एक एक दिन एक एक मिनट आपको याद आएंगे, जारी रखें उस संघर्ष को। और इसके अलावा माननीय न्यायालय से भी हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, निश्चित तौर पर जो भी 16-18 प्रकरण आपको न्याय मिले, क्योंकि अपात्र लोगों को
सूची में शामिल करके, चयनित लोगों की सूची में शामिल करके, कहीं ना कहीं जो पात्र लोगों का राइट था उसके साथ अन्याय हुआ है, और वही प्रकरण आपका विचाराधीन है। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का।